क्या नाम है आपका? प्रितोष। प्रितोष जी, प्रितोष गुप्ता। अच्छा चलिए, आप भी गुप्ता, आप भी गुप्ता। क्या जबरदस्त वाली व्यू है फ्रेंड, वाकई इमेजिंग। हेलो फ्रेंड, एक बार फिर से हम पहुंच चुके हैं महादेवगंज, साहेबगंज और मनिहारी घाट का गंगा पुल का जो निर्माण हो रहा है उसका अपडेट देने। तो आप देख सकते हैं हम अभी महादेवगंज के रोड साइड पे हैं और यहाँ पे ये वर्क हो रहा है। तो हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड स्वागत है आपका हमारा यूट्यूब चैनल गुप्ता ब्लॉग में। तो हम आ गए हैं फ्रेंड आपका ये कंट्रेक्टेड साइट एरिया 2 मतलब रोड पे। तो आप देख सकते हैं हमारे पीछे यहाँ पे वर्क हो रहा है और हमको जाना है वहाँ पे जहाँ पे पहले हमने आपको अपडेट दिया था। तो चलते हैं वहाँ पे और करते हैं वीडियो को स्टार्ट। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले फ्रेंड, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर ले, ताकि इससे क्या होगा, जो भी वीडियो डाले उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो चलिए फ्रेंड करते हैं वीडियो को स्टार्ट। पीछे यहाँ पे काम चल रहा है और गंगा घाट किनारे का काम अभी बंद है। वहाँ पे पूरा पानी लगा हुआ है, जो देख ही रहे हैं आप, पूरा बारिश हो चुका है, जल थल एकदम जमा हो गया है पूरा। तो उधर काम बंद करके फिलहाल इधर साइड का काम स्टार्ट कर दिया है। तो चलते हैं आपको वहाँ नज़दीक से हम दिखाते हैं। और यहाँ रोड पे भी कुछ काम हो रहा है, यहाँ पे चार पाया है, दो उधर और दो इस साइड पे, यहाँ पे भी काम हो रहा है। और हम चलते हैं वहाँ पे, आपको नज़दीक से वहाँ से दिखाते हैं। तो हमारे पीछे आप देख सकते हैं ये पिलर खड़ा किया जा रहा है, इसको बीम खालने की जुगाड़ बनाया जा रहा है। आप देख सकते हैं यहाँ पे पूरा ये गाड़ी से जो सामान कुछ उतर रहा है, जो घर के ढलाई के लिए हम लोग बाँस या बल्ली को इस्तेमाल करते हैं, लेकिन यहाँ तो काफ़ी भारी भरकम ढलाई है, तो इसके लिए लोहा का ये सरिया यूज किया जा रहा है। तो आप हमारे पीछे देख सकते हैं ये जुगाड़ पूरा। चलते हैं आगे और आपको आगे से भी कुछ दिखाते हैं। यहाँ पे वर्क हो रहा है और खैर वहाँ पे पानी जम जाने के कारण तो वहाँ पे काम अभी बंद है। और यहाँ पे है तो यहाँ पे क्या वर्क हो रहा है अभी दिखाते हैं आपको। तो आप देख सकते हैं आज मौसम भी कुछ ज़्यादा मेहरबान है, थोड़ा सा धूप, थोड़ी सी बारिश, कहीं धूप कहीं छाँव। तो इस नज़रिए को देखते हुए यहाँ का वर्क काफ़ी अच्छा से चल रहा है और आप हमारे पीछे देख सकते हैं। तो हम आपको दिखाते हैं और नज़दीक से जा कर के यहाँ पे वर्क किस टाइप के लोग कर रहे हैं। क्या नाम है आपका? यही घर है आपका? हाँ। अच्छा, तो ये बताइए पुल जब बन रहा है तो अच्छा लग रहा है ना आपको? हाँ। आपको तो इस मतलब आपका रहते हुए आप पुल देख सकते हैं। हाँ। आप तो अच्छा लग रहा होगा। हाँ। चलिए ठीक है, देखिए यहाँ पे ये सरिया को किस टाइप से मोड़ा जाता है और ये किस चीज के लिए काटा गया है ये सरिया? गटर के लिए है। अच्छा, ये गटर के लिए है। देखिए कितना इजीली ये काम होता है, अगर डाई से किया जाए तो पूरा दिन एक रॉड काटने में या उसको मोड़ने में लग जाएगा, क्या भैया? तो इस टाइप का ये काम है। आप लोग का घर यहीं पे है या कहीं बाहर? हम लोग का घर है सहरसा डिस्ट्रिक्ट। अच्छा, आप लोग सहरसा से? हाँ, यहाँ से कौन आप हैं?
अच्छा। तो फ्रेंड देख सकते हैं आप यहाँ पे पूरा मतलब कि काम करने लायक तो अभी जगह है नहीं। देख यहाँ पे पूरा एकदम पूरा कादा कादा हो चुका है बारिश के मौसम पे, और आज का मौसम भी उसी टाइप का है। आसमान में बादल छाया हुआ है, हल्का हल्का कभी कभी रिमझिम टाइप का बारिश भी हो रहा है, और उसी बारिश में बाकी लोग लगे हुए हैं अपने काम को लेकर के, क्योंकि काम भी करना तो ज़रूरी है, ये काम हो रहा है। चलिए कुछ वहाँ पे नज़दीक से आपको दिखाते हैं। रास्ता तो पूरा मतलब कि कहने लायक ही नहीं है कि क्या रास्ता है, पूरा रास्ता कादो कादो हो चुका है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे एक गार्डर ऑलरेडी बन चुका है, उसमें पानी का क्यूरिंग किया जा रहा है, और दूसरा बनने को तैयार है, जो कि यहाँ पे वर्कर लोग लगे हुए हैं अपना सरिया उरिया बांध रहे हैं। ये हम आपको जिस जगह के वीडियो अभी दिखा रहे हैं, एक्चुअली वो गंगा घाट किनारे का नहीं है, ये रोड साइड का है, रोड का इस साइड का है, जो कि आप देख सकते हैं। आपको पहले भी दिखाए हैं वहाँ पे, आप वो दो पाया देख रहे होंगे, वो रोड पर का है, और रोड का जस्ट नीचे इधर का काम चल रहा है, क्योंकि इधर आगे रेलवे लाइन भी है। तो इधर पानी का क्यूरिंग किया जा रहा है, और पूरा इस पे बोरा उरा ढक दिया गया है। तो ये अभी बारिश का यही फायदा है कि ज़्यादा पानी इस पे डालना ना पड़ रहा हो, लेकिन बारिश के वजह से काम भी डिले हो रहा है, क्या सही है ना। देख सकते हैं ये रास्ता भी फिलहाल अभी ब्लॉक है, क्योंकि यहाँ भी पानी जम चुका है, और आगे देख रहे हैं वहाँ पे भी वर्क है, लेकिन अभी उधर तो होगा नहीं, क्योंकि जब तक पानी निकल नहीं जाए तब तक उधर का काम प्रोसेस में रहेगा नहीं। तो बढ़ते हैं आगे और आपको दिखाते हैं। क्या नाम है आपका? प्रितोष। प्रितोष जी, प्रितोष गुप्ता। अच्छा चलिए, आप भी गुप्ता, हम भी गुप्ता। तो कहाँ से हैं आप? बिहार से, सहरसा। सहरसा से आप भी हैं, और सहरसा से ये भी भैया? सब सहरसा से ही हैं। तो कब से काम कर रहे हैं यहाँ पे आप? यहाँ तो फर्स्ट टाइम आया हूँ, एक महीना हो गया। अच्छा, एक महीने से आप यहाँ पे हैं, चलिए बहुत अच्छी बात है। तो अपने मेहनत से, अपने लगन से लगे रहिए और काम पे ध्यान दीजिए, ठीक है? तो फ्रेंड आज का मौसम देख रहे हैं, काफी मज़ेदार, एकदम मीठा मीठा सा हवा चल रहा है, और शानदार आज का मौसम है। आप हमारे पीछे देख सकते हैं कितना मस्त मौसम है, और इस साइड में वर्क हो रहा है, हवा भी बहुत प्यारी सी चल रही है। तो फ्रेंड आप देख सकते हैं कि हम उसी रास्ते में है, उस कंस्ट्रक्शन साइट की एरिया जो इस टाइप इधर जाता है उसी रास्ते में है, और आप हमारे पीछे देख सकते हैं पूरा पानी से जलथल हो चुका है। तो ये अनुमान है कि वहाँ पे अभी बिल्कुल काम बंद होगा, ना के बराबर, क्योंकि पानी है, रास्ता है नहीं, सामान जा नहीं सकता है, वर्कर वहाँ रह नहीं सकता है, तो काम क्या होगा। तो आप देख सकते हैं पीछे पूरा पानी ही पानी भरा हुआ है चारों तरफ। इस बार इंद्र भगवान कुछ ज़्यादा ही मेहरबान है, पूरा बारिश से एकदम जल थल हो चुका है, पूरा एकदम भर गया है, पानी ही पानी चारों तरफ। तो चलते हैं कुछ आगे बढ़ के, यार दिखाते हैं आपको जहाँ तक जा सकते हैं। बीच में नहीं, थोड़ा सा आगे। तो आप चारों तरफ देख सकते हैं, जहाँ तक आ सकते थे वहाँ तक हम आए हैं, इसके आगे तो हम जा नहीं सकते हैं। पीछे भी देख सकते हैं हमारे, और इस साइड भी देख सकते हैं पूरा पानी भर चुका है। तो जहाँ पे काम हो रहा है वहाँ तो जा नहीं सकते हैं, क्योंकि वहाँ जाने का कोई फ़ायदा भी नहीं है, और वहाँ पे काम भी अभी बंद है। तो काम अभी रोड के साइड पे हो रहा है वहाँ पे, तो कि ये पानी ना निकले तब तक काम संभव है नहीं। तो फ्रेंड हम यहाँ से आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि देखिए, जहाँ पर वर्क होता था, कंस्ट्रक्शन साइट का एरिया था, मैं जूम करके दिखाता हूँ आपको, ये देखिए।
यहाँ पे वर्क हो रहा था और पूरा पानी भर चुका है अभी, तो यहाँ पे काम अभी बंद हो गया है। और ये काम अब जब तक पानी नहीं निकल जाता है तब तक ये काम डिले ही होता जाएगा। आप देख सकते हैं वहाँ पे था, ये काम अब डिले हो गया। तो फ्रेंड आज का मौसम आप देख रहे हैं थोड़ा सा अच्छा है, लेकिन अभी बारिश होने वाली है। धीरे धीरे बारिश स्टार्ट हो चुकी है और हमारा काम पूरा हो चुका है। हमने आपको यहाँ का सारा अपडेट दे दिया। तो फ्रेंड आगे के अपडेट के लिए तो थोड़ा इंतज़ार करना होगा, चूँकि जब तक बारिश थम ना जाए, पानी निकल ना जाए, आगे के काम स्टार्ट होगा नहीं। तो जब स्टार्ट होता है तब हम आपको आकर के यहाँ एक वीडियो बना करके दिखा देंगे। तो आई होप कि ये ब्लॉग आपको अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगे तो एक लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए, और हमारे चैनल पे जितने भाई नए जुड़े हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, सब्सक्राइब कर लीजिए फ्रेंड, क्योंकि हम आपके लिए बहुत मेहनत से वीडियो बनाते हैं, बहुत दूर दूर जा कर के वीडियो बनाते हैं। आप अगर सब्सक्राइब करते हैं तो हमारा हौसला बढ़ता है, काम करने में मन लगता है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया हो, अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। तो आज का वीडियो बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।